धर्मनगरी हरिद्वार में सोमवार को सोमवती अमावस्या पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार गंगा स्नान करने पहुंचे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने खासा इंतजाम किए हैं। वहीं जिला प्रशासन ने पूरे मेला क्षेत्र को 5 सुपर जोन, 16 जोन और 39 सेक्टर में विभाजित किया है। चार धाम यात्रा चल रही है, उसको देखते हुए भी अलग से ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। पंडितों के अनुसार आज के दिन गंगा में स्नान करने से परिवार में सुख शांति की प्राप्ति होती है। अधिकारियों का कहना है कि पौड़ी घाट के अलावा अन्य घाटों पर भी श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं। देखिए, जब भी कोई भी अमावस्या सोमयुक्ता हो जाएगी, अर्थात सोमवार के दिन अमावस्या पड़ेगी, उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। हर अमावस्या बड़ी पुण्यदायी है, स्नान के लिए बड़ी पुण्यदायी है, पितृ कार्य के लिए बड़ी उत्तम बताई गई है। पर सोमयुता अर्थात तो सोमवती अमावस्या के दिन जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करता है, उसके पितरों को अनंत काल के लिए तृप्ति प्रदान होती है। वो बड़े आनंद में रहते और व्यक्ति को आशीर्वाद ऐसा देते हैं कि व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि कमी नहीं रह जाती। विशेष बात यह है कि ये ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या का विशेष पुण्यदायी है। इस दिन शनिदेव की जयंती अर्थात उनका जन्मदिन भी पड़ रहा है, तो जिन लोगों को शनि पीड़ा है केवल गंगा स्नान करके दान करने मात्र से शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। जिन लोगों को अपने जिन स्त्रियों को अपने पति की मंगल कामना, उनकी आयु अच्छी हो और घर में प्रेम भाव बना रहे पति पत्नी के बीच गृहस्थ धर्म के लिए, तो वो आज के दिन वट की पूजा भी करते हैं, इसलिए वट सावित्री का व्रत भी आज किया जाएगा।